इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे को दिखाते हुए जो एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया की बातें कर रहा था। दरअसल ये 23rd सेंचुरी की बात होती है जहां पृथ्वी के ऊपर रिसोर्सेस पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। हालांकि इंसानी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी थी लेकिन नॉर्मल लोगों को खाने पीने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन यहाँ पर वो बच्चा तो ये भी बताता है कि पृथ्वी के एकदम पास में एक रेड कलर का प्लैनेट देखा गया है और ये प्लैनेट लगातार हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब ये बातें इंसानों को पता चली तो वो ज्यादा इसके बारे में सोचते नहीं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये रेड प्लैनेट पृथ्वी से टकराए बिना उससे थोड़ी दूर से ही निकल जाएगा। यहाँ तक कि इंसानों ने उस रेड प्लैनेट की मदद से बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज भी गेन किए जिससे कि वो अपने डेली लाइफ में यूज कर सके। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये हो गई जब कुछ दिनों बाद ये पता चलता है कि उस रेड प्लैनेट की डायरेक्शन अब चेंज हो चुकी है जो सीधा अब हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। यानी कि अगर कुछ सालों के अंदर उस प्लैनेट को हटाया नहीं गया तब वो हमारी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को तबाह करके उससे टकरा जाएगा जिससे हमारी पृथ्वी का नामो निशान ही खत्म हो सकता था। सभी लोग तो इस बात से बहुत ज्यादा डरने लगे थे। उनके पास तो ये सारी चीजें कंट्रोल करने का कोई सॉल्यूशन भी नहीं था। अब तो वो बड़ा सा रेड प्लैनेट खुली आंखों से आसमान में देखा जा सकता है जिसका साइज सेम टू सेम पृथ्वी जैसा था। लेकिन वो लड़का कह रहा था कि सिर्फ एक ही आदमी है जो इस डिस्ट्रक्शन को रोक सकता है। अब ये पूरा सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर एक बंजर इलाका दिखाया गया। उस बंजर इलाके में पॉल नाम का एक आदमी लगातार भाग रहा था। पॉल क्या पता किसी से डर रहा होता है और लगातार आगे बढ़ता है। तभी पॉल को एक आवाज आती है कि तुम बिल्कुल भी डरो मत, तुम्हें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा क्योंकि यही तुम्हारा काम है। पॉल को तो बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था कि ये अनजान सी आवाज कहाँ से आ रही है। फिर बाद में वो रियलाइज करता है कि ये तो उसके मन की आवाज थी जो इस क्रिटिकल कंडीशन से उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो बड़ा सा रेड प्लैनेट तो अब पृथ्वी के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका था। पॉल और बाकी सारे इंसानों को भी ये बातें पता होती हैं लेकिन वो इसमें क्या कर सकते थे। पॉल तो फिलहाल ट्रेवल करते हुए एक बस्ती वाले इलाके में चला आता है। वहां पर कई सारे लोग थे जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं और किसी भी तरीके से अपना सर्वाइवल कर रहे थे। दरअसल बात ये थी कि गवर्नमेंट को जब पता चला कि वो रेड प्लैनेट हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है तो उसके बाद पृथ्वी पर एकदम हलचल मच गई और रिसोर्सेस कम होने लगे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बड़े लोगों और अमीर लोगों को एक जगह पर रख दिया और चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारें बना दी जिसके अंदर गरीब लोग बिल्कुल भी आ नहीं सकते थे। साथ ही साथ चारों तरफ मिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई होती हैं जिससे कि अगर कोई भी इंसान या फिर ग्रुप बगावत करने की कोशिश करे तो ये सोल्जर्स उन्हें खत्म कर देंगे जिससे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल और बड़े बड़े लोगों की जान एकदम सुरक्षित रहे। अब यहाँ पर पॉल आगे चलते हुए एक आदमी से टकरा जाता है लेकिन अब पॉल को कुछ जरूरत थी इसीलिए वो आदमी से कहने लगा कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट सामान खरीदने हैं। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम शायद सही जगह पर आए हो, मैं एक मैकेनिक हूँ जो ये सारी चीजें बेचता है। वो आदमी तो पॉल को अपने गैराज पर लेकर चला गया जहाँ पॉल ने उससे कहा कि मुझे एक कार चाहिए। वो आदमी तो अब पॉल को कुछ पैसों के बदले वो कार दे देता है। ये 23rd सेंचुरी थी इसीलिए कोई भी कार अब टायर्स पर नहीं चलती बल्कि वो तो पावर सोर्स की मदद से हवा में उड़ते हुए चलती है। लेकिन अब यहाँ पर हमें एक मिलिट्री का ड्रोन दिखाया गया जो सीधा आकर पॉल को अच्छी तरीके से स्कैन करने लगा था क्योंकि हर इंसान की पहचान कंफर्म करना सभी का इम्पोर्टेंट काम होता है और अब शायद उस ड्रोन ने पॉल के बारे में सारे डेटा को रिकॉर्ड कर लिया है। पॉल तो फिलहाल के लिए उस गाड़ी को लेता है और सीधा वहां से चला जाता है। दरअसल बात ये थी कि पॉल के फादर एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही ये इन्वेंशन की थी कि उस रेड प्लैनेट से किस तरीके से एनर्जी अब्सॉर्ब की जाए जो हमारी रिसोर्सेज के काम में आ सकती थी। लेकिन जब पॉल के फादर हेनरी को ये पता चला कि वो रेड प्लैनेट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है और वो लगातार पृथ्वी की तरफ आ रहा है डिस्ट्रॉय करने के लिए तो उन्होंने अपने कई सारे मिसाइल्स और कई सारे रॉकेट्स बनाए जिससे कि उस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया जा सके। वहां पर तो कई सारे लोगों को भी भेजा गया लेकिन उस रेड प्लैनेट का भी एक फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस होता है जिसके अंदर कोई भी नहीं जा पा रहा था। लेकिन यहाँ पर हेनरी ने अपने बेटे पॉल को इस मिशन में आगे भेजा और पॉल एक ऐसा इंसान होता है जो उस रेडिएशन से बचते हुए उस रेड प्लैनेट के सतह पर चला गया था।
हालांकि हेनरी ने पॉल को समझाया था कि तुम्हें रेड प्लैनेट पर पहुंचने के बाद उसे डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन पॉल ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। दरअसल पॉल का मानना होता है कि ये प्लैनेट जीवित है, यानी कि इसके अंदर भी अपनी सोचने की क्षमता है। और एक और सीक्रेट बात थी जो पॉल अभी तक किसी को बता नहीं रहा था, और इसी वजह से हेनरी के साथ साथ गवर्नमेंट भी पॉल को ढूंढ रही है, क्योंकि उसने एक तरीके से गवर्नमेंट के साथ धोखा किया है। और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये रेड प्लैनेट जल्द से जल्द पृथ्वी से टकरा ही जाएगा। यहाँ पर पॉल अब लगातार ट्रेवल करते हुए जब एक बंजर इलाके में आता है तो उसकी कार अचानक से खराब हो गई थी, यानी कि उस मैकेनिक ने पॉल को बुद्धू बना दिया और अब एक बेकार खटारा कार दे दी। कार का तो पावर सोर्स ही खत्म हो चुका था, लेकिन अब अचानक पॉल के सामने वही ड्रोन आ जाता है जो उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर जा रहा था। पॉल ये रिस्क नहीं ले सकता था, इसीलिए उसने अपनी गन निकाली और उस ड्रोन को तुरंत ही शूट कर दिया, जिससे कि वो ड्रोन पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। पॉल तो अब कुछ मदद लेने के लिए वहीं पर मौजूद एक छोटे से शॉप में चला गया। उस शॉप के अंदर तो पॉल को एल्मा नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जिससे पॉल जाकर मदद मांगने लगा कि मेरी गाड़ी का पावर सेल खराब हो चुका है और मुझे जल्द से जल्द उसे ठीक करना होगा, नहीं तो मैं अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाऊंगा। एल्मा ने जब उसकी कार को अच्छी तरीके से देखा तो उसने कहा कि तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी के पावर सेल को बनाने में काफी समय लगता है। एल्मा ने तो अब यहाँ पर पॉल को 3 दिन का टाइम दिया कि तुम 3 दिन के अंदर अपनी कार लेके जा सकते हो, 3 दिन में तुम्हारी कार एकदम रेडी हो जाएगी। लेकिन पॉल उससे रिक्वेस्ट करने लगा क्योंकि उसके पास 3 दिनों का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि पॉल की ये रिक्वेस्ट बिल्कुल भी काम नहीं आती। एल्मा ने जितना टाइम पीरियड दिया होता है उतने में ही उसकी कार रेडी होगी। अब अचानक पॉल टीवी पर देखता है जहां एक न्यूज आ रही थी। न्यूज के ऊपर बताया जा रहा था कि अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक ऐसा रॉकेट बना लिया है जो कि उस रेड प्लैनेट के फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को तोड़ते हुए उसके अंदर चला जाएगा, और उस रॉकेट के अंदर कोई और नहीं बल्कि एलिस नाम का एक वैज्ञानिक था। पॉल इसीलिए चौंक जाता है क्योंकि एलिस उसका बड़ा भाई है, और ये पूरा मिशन उसके फादर हेनरी ने तैयार किया था ताकि वो अपने बड़े बेटे को अब तक के सबसे खतरनाक मिशन के लिए तैयार कर सके। उन्होंने ही अरोरा नाम की एक रॉकेट का निर्माण किया जिसके अंदर एलिस बैठकर उस रेड प्लैनेट की तरफ जाएगा। पॉल को ये बातें बहुत बुरी लगती हैं क्योंकि ये मिशन वो करने वाला था, और उसने इसका कंक्लूजन भी बताया कि हमें रेड प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके फादर रेड प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। अरोरा नाम की उस रॉकेट का लॉन्च आज के समय ही था। थोड़ी देर में ही हमें वो रॉकेट दिखाया जाता है जिसमें कि पॉल का बड़ा भाई एलिस मौजूद था, और वो लगातार उस रेड प्लैनेट की फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। पूरे के पूरे पृथ्वी वालों की नजर इसके ऊपर होती है कि ये मिशन कंप्लीट होगा कि नहीं। हालांकि आधे समय तक एलिस की सारी रीडिंग्स एकदम बरोबर आती हैं, लेकिन अब अचानक उसके रॉकेट में डिस्टर्बेंस पैदा होने लगी, जिससे कि कुछ समय बाद अब कम्युनिकेशन में एरर आ जाता है और एलिस के सिग्नल्स मिलना बंद हो गए थे। थोड़ी देर में पता चला कि रेड प्लैनेट की रेडिएशन इतनी ज्यादा थी कि रॉकेट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि इस हादसे में एलिस की जान चली जाती है। पॉल से लेकर पृथ्वी पर मौजूद सभी इंसान इससे बहुत नाराज हुए थे, और अब उन्हें बिल्कुल भी होप नहीं थी कि उनकी पृथ्वी बच भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि अरोरा रॉकेट अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट था, और अगर इस तरीके से भी काम नहीं बन रहा तो उनका अंत तय है। वो रेड प्लैनेट तो पृथ्वी से टकरा कर रहेगा और इसे डिस्ट्रॉय कर देगा, इंसानी सभ्यता एक ही बार में खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पॉल के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो शॉप से निकलने जाता है, लेकिन तभी एल्मा उसे एक स्माइली बैच देती है जिससे कि वो खुश रहे, क्योंकि इस अंतिम समय में उन सभी को अपने अच्छे पल याद करने चाहिए। पॉल तो सीधा शॉप से निकलते हुए बंजर इलाके में चला आया। यहाँ पर अब पॉल अपने कुछ बचपन के पलों को याद करता है। दरअसल पॉल जब छोटा था तो उसकी मदर बहुत बीमार हुआ करती थी। हालांकि पॉल के फादर हेनरी ने हमारी मदर को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे। पॉल की मदर को हार्ट कैंसर हुआ था जो अभी तक ठीक नहीं किया जा सकता, और ये वही समय होता है जब लोगों को ये पता चला था कि रेड प्लैनेट पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि एक और प्रॉब्लम उनकी तरफ आने लगी है जो शायद पृथ्वी पर मौजूद सारे इंसानों को खत्म कर दे। अब यहाँ पॉल बचपन में अपने भाई से बहुत ज्यादा अलग था, उसे तो फ्यूचर की विजन आया करते थे जिसे कि वो लोगों को बताने की कोशिश करता, लेकिन सभी समझते थे कि पॉल मजाक कर रहा है। पॉल ने तो अपने विजन के अंदर थोड़ी बातें ये देखी होती हैं कि वो रेड प्लैनेट एक तरीके से इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है, इसीलिए पॉल ने अपने फादर हेनरी से कहा कि आप रेड प्लैनेट को डिस्ट्रॉय मत करो। पर हेनरी किसी बच्चे की बात सुनकर इंसानी सभ्यता को खतरे में नहीं डाल सकते, इसीलिए हेनरी ने अपनी टीम के साथ बहुत सारे
एक्सपेरिमेंट किए जिससे कि किसी भी हालत में उस रेड प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। पॉल तो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है कि कोई उसकी बात समझ नहीं रहा है, क्योंकि पॉल बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा अलग है। पॉल को जब भी कोई फ्यूचरिस्टिक विजन आते वो लोगों को बताने की कोशिश करता था, और अगर कोई नहीं सुनता तो वो उसे एक पेपर पर ड्रॉ कर देता। इसी तरीके से पॉल ने अपने विजन के हिसाब से एक फॉरेस्ट का चित्र बनाया होता है, लेकिन वो ड्राइंग कई साल पहले की बात है। लेकिन इस समय पृथ्वी की हालत ऐसी हो गई है कि ना यहाँ पर कोई पेड़ पौधे हैं और ना ही कोई जानवर, तो फिर इस तरीके का फॉरेस्ट पॉल को कहाँ मिलेगा। इसीलिए पॉल ने अपने सारे होप छोड़ दिए थे और वो समझ गया था कि इंसानी जगत खत्म होने वाला है। वो तो फिलहाल अपनी कार के लिए चारों तरफ घूमकर पावर सेल ढूंढने लगा जिसे वो डालकर एक सेफ जगह पर जा सके जहाँ उसका मन हो। वहीं दूसरी तरफ अब शॉप के अंदर एल्मा को दिखाया गया जो अपनी मदर को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। उसने अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए टीवी चालू कर दिया और सॉन्ग सुनने लगी, लेकिन एल्मा जब न्यूज देखती है तो उसे पॉल की फोटो दिखाई दे रही थी जिसमें न्यूज रिपोर्टर्स और पूरे गवर्नमेंट वाले पॉल को ढूंढ रहे हैं। इन सारी चीजों को देखने पर एल्मा को ये बात पता चल गई कि पॉल वही एस्ट्रोनॉट है जो पहली बार उस रेड प्लैनेट की सतह पर गया था, और शायद जो भविष्यवाणी बहुत साल पहले की गई थी कि एक आदमी उस रेड प्लैनेट से सभी को बचा लेगा, शायद ये पॉल ही है और उसे जाकर ढूंढना चाहिए। इसीलिए एल्मा तुरंत ही गन लेकर बाहर निकल गई ताकि वो पॉल को ढूंढ सके। लेकिन अब एल्मा के सामने उसके फादर आ जाते हैं। एल्मा के फादर उससे माफी मांग रहे थे कि उससे गलती हो गई। दरअसल बात ये थी कि एल्मा के फादर उसकी मदर को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते, और इन सारी चीजों की वजह से जब एल्मा की मदर मर गई, जिसके बाद एल्मा अपने फादर से हमेशा अलग ही रहा करती। यहाँ एल्मा बिल्कुल भी अपने फादर से बात नहीं करती और सीधा चली जाती है पॉल को ढूंढने के लिए। पॉल तो अभी भी खराब पड़ी हुई गाड़ियों में से पावर सेल निकाल रहा होता है, और अब थोड़ी देर में ही एल्मा पॉल को ढूंढकर उसके पास आ जाती है। एल्मा तो पॉल को कुछ खाने के लिए देती है और उससे ये बताती है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो और तुम ही एस्ट्रोनॉट थे जो सबसे पहले उस रेड प्लैनेट की सतह पर गए हो। एल्मा तो यहाँ पॉल से कहने लगी कि वो भी उसके साथ आना चाहती है, लेकिन पॉल ने उसे साफ साफ मना कर दिया कि मैं अकेले ही ट्रेवल करता हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। एल्मा को ये बात बहुत बुरी लगती है, इसीलिए वो सीधा अपनी दूसरी तरफ चली गई। वहीं अब उस इलाके के काफी ज्यादा दूरी पर दो बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि आपस में खेल रहे थे। वहाँ पर छोटे मोटे स्कॉर्पियंस और कीड़े होते हैं जिसे कि वो मार मार कर अपने गेम में शामिल करते हैं। लेकिन तभी आसमान की तरफ एक चमकती हुई चीज लगातार उनकी तरफ बढ़ने लगी। वो चीज डायरेक्टली आकर उस जगह पर टकरा जाती है। वो दोनों बच्चे जब थोड़ी देर बाद उस अजीब सी चीज के पास जाते हैं तो पता चला कि ये तो एक एस्केपिंग पॉट है जो अभी अभी आसमान से नीचे गिरा है। उसे ओपन करने पर दोनों बच्चे को दिखाई दिया कि उसके अंदर एक आदमी मौजूद है जो और कोई नहीं बल्कि एलिस था। यानी कि एलिस का मिशन जब पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल हो गया था तो वो बचकर एस्केपिंग पॉट में बैठ के यहाँ पर आ गया। हालांकि एलिस की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसीलिए उसे ट्रांसफर कर दिया गया मेडिकल फैसिलिटी में। एलिस को जब होश आता है तो वो अपने फादर हेनरी से माफी मांग रहा था क्योंकि वो ये मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया। अब हेनरी यहाँ पर एलिस से सारी बातें पूछते हैं कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या। तब जाकर एलिस कहता है कि मैं जब उस रेड प्लैनेट की रेडिएशन के अंदर गया तो वहाँ पर इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड थी कि हमारा रॉकेट काम करना ही बंद कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मेरा डीएनए पूरी तरीके से डिटोरिएट हो गया था और मुझे लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा। मेरे तो पूरे बॉडी सेल्स अलग होना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन कुछ समय बाद अचानक कोई मिरेकल हुआ, जैसे कि कोई मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, और फिर मैंने अपनी आंखें खोली पृथ्वी पर जहां मैं एस्केपिंग पॉट से लैंड हुआ। मुझे इन सारी बातों के बारे में बिल्कुल नहीं पता कि आखिर उस जगह पर ऐसा क्या हुआ जिसने कि मेरी जान बाल बाल बचा ली। हेनरी को भी ये फिनोमेनन नहीं समझता, लेकिन आखिरकार ये रेड प्लैनेट की मिस्ट्री क्या है उसे तो पता लगाना ही होगा। हेनरी अब फिर प्लान करता है कि वो इस तरीके से हार नहीं मान सकते और वो आगे भी ट्राई करेंगे कि उस रेड प्लैनेट की सतह पर जाकर उसे डिस्ट्रॉय करने का तरीका निकाला जाए। वहीं अब हम यहाँ पॉल को देखते हैं जो रेगिस्तान में अभी भी पावर सेल को ढूंढ रहा था। हालांकि वो नाकामयाब रहता है क्योंकि पावर सेल को ढूंढना इतना भी इजी नहीं रहता, पर यहाँ थोड़ी दूर से एल्मा लगातार उसके ऊपर नजर रख रही थी क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता था कि पॉल ही वो आदमी है जो हम सभी को इस रेड प्लैनेट से बचा सकता है। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ कुछ सोल्जर्स की वैन आ जाती है जो लगातार पॉल को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन पॉल किसी भी तरीके से अपने आप को छुपा लेता है और थोड़ी ही देर बाद वो सोल्जर्स वहाँ से चले गए थे। अगर वो पॉल को पकड़ लेते तो उसे फैसिलिटी के अंदर रखा जाता और कभी भी बाहर नहीं जाने देते, इसीलिए पॉल को किसी भी हालत में उन सोल्जर्स से बचकर रहना पड़ेगा। अब हमें यहाँ एल्मा के फादर दिखाई दिए जो उसके कंटेनर में आकर सारी चीजें देखने लगे होते हैं। यहाँ एल्मा के फादर को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनकी बेटी उसका बात
बात नहीं मान रही है। इसी वजह से अब एल्मा के फादर ने उस पूरे कंटेनर को ही आग लगा दी। एल्मा जब थोड़ी देर बाद उस जगह पर पहुंचती है तो वो तुरंत ही भागते हुए आई सारी आग बुझाने के लिए, क्योंकि उस कंटेनर के अंदर एल्मा के सर्वाइवल की सारी चीजें मौजूद थी। पर शायद अब काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि आग काफी ज्यादा बढ़ गई। एल्मा तो अपने फादर से और भी ज्यादा नफरत करने लगी क्योंकि वो अपनी बेटी को बर्बाद होता हुआ देखना चाहते थे। अब अगले दिन अचानक हमें एलिस दिखाया जाता है जो कि उसी जगह पर आ गया क्योंकि वो अपने छोटे भाई पॉल को ढूंढ रहा था। पॉल ने तो अपने भाई को देख लिया होता है कि वो यहाँ पर पूछताछ करने आया है, इसीलिए पॉल एक गाड़ी के पीछे जाकर छुप गया। एलिस तो अब सीधे शॉप के अंदर जाकर एल्मा के फादर से कुछ पूछताछ करने लगता है। यहाँ पर उसने साफ साफ पूछा कि आखिरकार पॉल कहाँ पर है, लेकिन एल्मा के फादर को इस बारे में नहीं पता था। यहाँ पर अब उस रेड प्लैनेट से वापस आने के बाद एलिस की बॉडी में कुछ अजीब सी पावर्स दिखाई देती हैं। दरअसल अब एलिस अपनी आंखों की मदद से लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये पता लगा सकता था और उनके दिमाग को लिटरली कंट्रोल कर सकता था। एलिस समझ गया होता है कि अब एल्मा के फादर का कोई काम नहीं है और उसने तो अपनी लाइफ में कई सारे क्राइम किए थे, इसलिए इसका जिंदा रहना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एलिस ने तो अब अपनी एबिलिटी का यूज करके उसके दिमाग को कंट्रोल किया और उसे अपनी ही गन लेकर खुद को शूट करने पर मजबूर किया। एल्मा का फादर ये कर देता है और वो वहीं पर मारा गया। पॉल ने जब ये देखा तो वो काफी डर जाता है, इसीलिए वो एलिस के कार की पावर सेल निकाल ले रहा था और उसे अपनी कार में डालकर वहां से निकल जाता है। एल्मा ने जब अपने फादर को देखा तो वो उसके लिए चिल्लाते हुए आई, लेकिन जब उसके सामने एलिस आया वो भी हाथ में गन लेकर, तो एल्मा उससे डर कर कहीं दूसरी तरफ भागने लगी। एलिस तो अब एक बॉल निकालता है जो छोटा सा रोबोट था और वो तो उस रोबोट को एल्मा के पीछे भेज देता है। एल्मा थोड़ी दूर तक जाने के बाद बहुत ज्यादा रोने लगी क्योंकि उसके फादर अब नहीं रहे। तभी अचानक उसके पास पॉल आ जाता है जिसने की गाड़ी ठीक कर ली थी। वो एल्मा को अपनी गाड़ी में बिठाता है और वहां से कहीं दूर निकल जाता है। एल्मा तो अब बहुत उदास हो चुकी थी, सिर्फ उसकी फैमिली में अब उसकी बीमार मदर मौजूद है, इसीलिए अब एल्मा ने पॉल से साफ साफ कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ क्योंकि तुम अकेले रहोगे तो वो सोल्जर्स तुम्हें पकड़ लेंगे। एल्मा को किसी भी तरीके से अपनी मदर के पास पहुंचना था और वहीं पॉल को वो फॉरेस्ट ढूंढना था जिसकी ड्राइंग उसने बचपन में बनाई थी, इसीलिए वो एल्मा के साथ सीधा अपने मिशन पर निकल गया। अब लगातार वो दोनों आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन सामने एक चेक पॉइंट होता है जहां पर जांच की जा रही थी और अगर पॉल के बारे में उन्हें पता चल गया तो वो उसे पकड़ लेंगे, इसीलिए पॉल गाड़ी में नहीं बैठता और वो साइड में चला जाता है। गाड़ी को सेफ्टी के लिए एल्मा चला रही थी। वो सोल्जर्स एल्मा की जांच पड़ताल करते हैं और सारी चीजें क्लियर होने के बाद उन्हें जाने की परमिशन दे देते हैं। पॉल तो गाड़ी के साइड में ही छुपा हुआ था और फिर जाने के बाद वो अंदर चला आता है। अब वो दोनों ट्रेवल करते हुए पास ही वाली शॉप के अंदर पहुंच जाते हैं। एल्मा तो कुछ खाने पीने की रिसोर्सेस इकट्ठा करने लगी, लेकिन यहाँ पर पॉल सीधा कॉल करने के लिए एक टेलीफोन के पास आ जाता है। वो जानबूझकर वायर टेलीफोन से कर रहा था ताकि उसे कोई ट्रैक न कर पाए। पॉल ने तो अपने फादर हेनरी को कॉल लगा दिया जो उन्हें बता रहा था कि आप जो भी कर रहे हो वो गलत है, उस रेड प्लैनेट की रेडिएशन में कुछ ऐसा है जो हम सबके काम में आ सकता है। लेकिन यहाँ पॉल के फादर हेनरी बिल्कुल भी इस बात से राजी नहीं होते। वो तो पॉल को कह रहे थे कि तुम कुछ मत करो और मेरे पास आ जाओ, नहीं तो तुम्हें जान से मारना पड़ेगा, तुमने हमारे साथ धोखा किया है और ये धोखा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। पॉल के इतना समझाने के बावजूद भी उसके फादर इस बात के लिए नहीं मानते। लेकिन जब पॉल ने वो फोन वापस रख दिया तो वो ठीक अपने पीछे देखता है कि एक सोल्जर मौजूद है जिसने पॉल को स्कैन कर लिया है और वो तो लगातार अब पॉल को मारने लगा था। पॉल अपनी प्रोटेक्शन के लिए पलटवार तो करता ही है, लेकिन वो सोल्जर्स अपने ऊपर आयरन शील्ड पहनते थे जिससे नॉर्मल हमलों का उनके ऊपर कुछ असर नहीं होता। वो सोल्जर पॉल को मार मार कर काफी घायल कर देता है, लेकिन अच्छी बात तो ये हुई कि पॉल की चिल्लाने की आवाज सुनकर उस जगह पर एल्मा आ गई जिसके पास एक गन मौजूद थी और वो उसकी मदद से सोल्जर पर हमला करने लगी। पॉल को छोड़कर सीधा एल्मा के पास बढ़ा क्योंकि उसके ऊपर गन का कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन वो सोल्जर तो पीछे ध्यान देना भूल गया। इसी मौके का फायदा उठाकर पॉल सीधा उठता है और उसके सर पर लगातार हमला करके उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद पॉल और एल्मा तुरंत ही उस जगह से निकलते हैं सारी रिसोर्सेस अपनी कार में रखकर। उन्हें जल्द से जल्द एक सेफ जगह ढूंढनी होगी क्योंकि अब चारों तरफ सोल्जर्स तैनात हो चुके हैं, वो सभी तो पॉल की तलाश कर रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, इसीलिए अब उन दोनों को ट्रेवल करते टाइम और भी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। यहाँ पॉल रास्ते में एल्मा को अपने बारे में बताता है कि किस तरीके से बचपन में उसे विजन्स आया करते थे फ्यूचर के। हालांकि पॉल ने उस समय इस विजन के बारे में अपने फादर को बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके फादर इन चीजों पर भरोसा ही नहीं करते थे।
जिसकी वजह से मुझे जो भी विजन्स आते मैं उनकी ड्राइंग बना दिया करता। और इस फॉरेस्ट की ड्राइंग पॉल ने बचपन में ही बनाई थी। उसे लगता है कि इस फॉरेस्ट का जरूर कोई रिलेशन है और उसे वहां पर पहुंचना होगा। एल्मा ने तो यहां पर अब पॉल के बाल भी कलर कर दिए थे ताकि उसे कोई पहचान न पाए। इस समय पॉल का सेफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। भले ही बाल कलर करने के बाद एल्मा उसके ऊपर हंस रही होती है, लेकिन ये पॉल के लिए सबसे बेस्ट था। अब हमें एलिस दिखाया गया जो उसी शॉप के अंदर पहुंच गया होता है जहां पर कुछ समय पहले पॉल और एल्मा मौजूद थे। एलिस ने तो वहां की एक शॉपकीपर से पूछा कि आखिरकार ये लोग कहां पर हैं, लेकिन वो शॉपकीपर थोड़ी इन सारी चीजों के बारे में जानती थी। एलिस तो अब अपनी एबिलिटी का यूज करता है और वो उसके दिमाग को पढ़ने लगता है। तब जाकर पता चला कि ये लेडी बहुत ज्यादा बुरी है। इसने अपने ही हस्बैंड को जान से मार दिया। इसी वजह से अब एलिस अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और उसे आदेश देता है कि तुम अपनी जान ले लो। एलिस जैसे ही वहां से निकल गया तभी वो लेडी अपने आप को फोर्क की मदद से जान से मार ही देती है। यानी कि एलिस की एबिलिटी इतनी खतरनाक हो चुकी थी। और ये सारी चीजें रेड प्लैनेट के रेडिएशन में जाने से हुई हैं। हमें अब पता चला कि एलिस ने जो वो छोटा सा रोबोट भेजा था वो अभी भी पॉल और एल्मा का पीछा कर रहा होता है, जिससे कि एलिस को उनकी लोकेशन का आइडिया लग जा रहा था। पॉल और एल्मा जब अपनी गाड़ी के अंदर बैठे थे तो वो लगातार आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब उनके ठीक सामने रेतीला तूफान दिखाई दिया जो शायद उस रेड प्लैनेट की वजह से ही हो रहा था। एलिस भी अब अपनी कार के साथ ठीक उनके पीछे होता है। अब यहाँ पॉल सोचने लगा कि आखिर वो क्या करे, तभी उसकी नजर जाती है ठीक अपनी कार के पीछे जहाँ पर एलिस द्वारा भेजा गया वो छोटा सा रोबोट मौजूद था। पॉल ने अब तुरंत ही अपनी गन निकाली और सीधा उस छोटे रोबोट को शूट कर दिया, जिससे कि वो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब रोबोट नहीं रहा तो एलिस उन सभी को ट्रैक नहीं कर पाएगा। पॉल ने तो अब एलिस को भी देख लिया था, इसीलिए वो बिना रुके उस तूफान के अंदर चला जाता है। एलिस तो यहाँ एकदम कंफ्यूज हो गया कि आखिर वो लोग कहाँ चले गए। पॉल और एल्मा तो लगातार आगे बढ़ते हुए दूसरी तरफ निकल जाते हैं और वहां से एक बंकर टाइप के इलाके में आ जाते हैं। उन दोनों ने डिसाइड किया कि कुछ देर तक वो यहीं पर सेफ रहेंगे जब तक एलिस यहाँ से चला नहीं जाता। जब वो दोनों वहां की सीट्स के ऊपर बैठते हैं तब पता चला कि ये तो एक मूवी थिएटर है जिसके अंदर लोगों को होलोग्राम की मदद से एंटरटेन किया जाता था और जो चाहे वो दिखाई जाती थी। पॉल और एल्मा जब उस जगह पर बैठ जाते हैं तो वहां की रिकॉर्डिंग सिस्टम ऑन हो गया था। उन्हें अब पर्दे के ऊपर कई सारे होलोग्राम दिखाई देने लगे और ये उन एनिमल्स के होते हैं जो पहले पृथ्वी पर रहा करते थे। उन्होंने तो अब होलोग्राम की मदद से हर एक स्पीशीज को देख लिया था, लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि इस समय पृथ्वी के ऊपर ये सारी स्पीशीज खत्म हो चुकी हैं। तभी अचानक उन्हीं होलोग्राम के अंदर वही फॉरेस्ट दिखाया जाता है जिसे कि पॉल ने अपने बचपन के अंदर देखा था और उसकी ड्राइंग बनाई थी। पॉल तो एकदम चौंक कर खड़ा हो गया और उन्हें बारीकी से देखने लगा। तब जाकर पॉल को रियलाइज होता है कि वो जिस फॉरेस्ट को ढूंढ रहा था शायद वो भी अब खत्म हो चुका है, क्योंकि इस होलोग्राम में वही चीजें दिखाई जा रही थी जो विलुप्त हो चुकी हैं। इस बात से पॉल नाराज होते हुए ये सोचने लगा कि उसने जो भी विजन्स अपने बचपन में देखे थे वो एक तरीके से उसके ड्रीम ही होते हैं, वो कभी सच नहीं होने वाले। और पॉल के फादर हेनरी पूरी तरीके से सही हैं। पॉल ने तो अब खुद के और उनकी विजन्स के ऊपर एकदम से भरोसा करना ही बंद कर दिया था। लेकिन एल्मा यहाँ पर पॉल को भरोसा दिलाती है कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। पॉल यहाँ काफी फ्रस्ट्रेशन में था, इसीलिए वो एल्मा पर ही चिल्ला देता है और उसे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। वो दोनों तो एक रात उसी जगह पर गुजारते हैं। लेकिन अब अगले दिन पता चला कि एलिस अपने सारे लोगों के साथ वहां पर पॉल को पकड़ने के लिए आ चुका है। एल्मा तुरंत ही पॉल को उठाकर उसे ये सारी बातें बताती है। पॉल थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि आखिर इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। तब जाकर पॉल डिसाइड करता है कि वो एल्मा को ही हॉस्टेज बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करेगा। पॉल ने तो एल्मा के ऊपर गन रख दी थी और उन सभी को डरा धमका रहा था, लेकिन एलिस को तो ये बात पहले से ही पता थी कि ये दोनों साथ में ही हैं। इसीलिए वो शूट करने की अनुमति देता है और सीधा एल्मा के ऊपर ही गोली चला देता है। पॉल को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो एल्मा को बचाते हुए उनके ऊपर काउंटर फायर कर रहा था। पॉल ने मौका देखते ही एल्मा को कार में बिठाया और वहां से लेकर आगे बढ़ने लगा। एलिस और उसके सारे लोग भी उसका पीछा कर रहे थे। यहाँ एल्मा जो बेहोशी की हालत में होती है उसने कार के सिस्टम्स में कुछ चेंजेस किए थे, जिससे कि वो कार अब जमीन से काफी ऊंचाई पर उड़ने लगी। पॉल ने यहाँ पूरा ट्राई किया कि वो एल्मा को लेकर किसी सेफ जगह पर चला जाए,
पर एलिस इस तरीके से उसका पीछा तो नहीं छोड़ने वाला था। एलिस भी अब अपनी कार लेकर तुरंत उनके सामने आ जाता है और दोनों की कार एक दूसरे से टकरा गई थी। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद सभी को चोट लगी होती है, लेकिन अब वो दोनों भाई आमने सामने मौजूद थे। एल्मा तो लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी। एलिस तो अपने छोटे भाई पॉल को समझाता है कि तुम हमारे साथ वापस मिल जाओ, लेकिन पॉल ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया था। इसीलिए अब एलिस ट्राई करता है कि वो पॉल को कंट्रोल करे और उससे आदेश दे कि खुद को ही गोली मार ले। पॉल ने यहाँ पर गन उठाई और अपने सर के ऊपर पॉइंट कर दिया, लेकिन तभी उसे एल्मा की आवाज आती है जिसने कि पॉल के पूरे सेंसेस उसके कंट्रोल में दे दिए थे। अगले ही मोमेंट में पॉल ने अपने आप को शूट करने के बजाय अपने भाई एलिस को शूट कर दिया, जिससे एलिस वहीं पर मर जाता है। पॉल को इस बात का जरा भी गिल्ट नहीं था क्योंकि ये लोग तो उसे ही मारने आए थे। फिलहाल के लिए पॉल घायल पड़ी हुई एल्मा को लेकर एक सेफ जगह पर जाता है और वहां पर एल्मा को रोककर अपने बचपन की किताब देखने लगता है। ये वही किताब थी जिसके अंदर पॉल ने अपने सारे विजन के चित्र बनाए थे। उन सारे ड्राइंग्स को देखते हुए पॉल को एक बात पता चलती है। इसीलिए जब कई सारे सोल्जर्स पॉल को पकड़ने के लिए आते हैं तो उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। पॉल और एल्मा को तो जल्द से जल्द हिरासत में ले लिया जाता है, जिसमें कि अब पॉल के सामने उसके फादर हेनरी आ रहे थे। पॉल ने यहाँ पर अपने फादर हेनरी से साफ साफ कह दिया था कि मैं अब आपके साथ हूँ, मैं मिशन में शामिल होकर कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा, लेकिन इसके बदले आप लोगों को एल्मा का इलाज कराना पड़ेगा। हेनरी इस बात से राजी हो जाते हैं और एल्मा का इलाज चालू हो गया। पॉल को तो अब तैयार किया जाने लगता है ताकि वो रॉकेट के अंदर जाकर रेड प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करे। पॉल ने सारे टेस्ट पास कर लिए थे और अब आखिरकार रॉकेट के अंदर परमाणु बॉम्ब रख दिया जाता है जिसमें पॉल मौजूद था और उसे लॉन्च कर दिया गया। एक बार फिर से पूरी दुनिया वालों की नजर उनके ऊपर थी और ये शायद उनके लिए आखिरी चांस होगा कि वो अपनी पृथ्वी को बचा ले। एल्मा भी अब बाहर आकर देख रही होती है कि रॉकेट लॉन्च हो चुका है। इसमें पॉल बच पाएगा कि नहीं, इसके चांसेस बहुत कम लग रहे थे। सारी चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से होती हैं और पॉल तो सीधा रेड प्लैनेट के उस रेडिएशन वाले इलाके में पहुंच गया था। दरअसल पॉल ने अपने बुक में कुछ चीजें देखी होती हैं जिससे कि उसे पता चला था कि इस रेड प्लैनेट के पास अपनी एक सोच है जो हमारी पृथ्वी को एकदम संतुलित बनाए रखता है। लेकिन अगर हम पृथ्वी वाले इस रेड प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे तो ये रेड प्लैनेट भी हमारे ऊपर काउंटर अटैक करेगा। यही रीजन था कि वैज्ञानिकों ने जब बहुत सारे मिसाइल्स उस प्लैनेट की तरफ मारे तो वो प्लैनेट बदला लेने के लिए पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था ताकि वो उसे डिस्ट्रॉय कर दे। इन्हीं सारी चीजों को दिमाग में रखकर अब पॉल सीधा रेडिएशन के अंदर घुसता है और उसे वहां पर परमाणु बम ब्लास्ट करना था। लेकिन अब पॉल अचानक रॉकेट की ट्रैजेक्टरी को एकदम से मोड़ देता है जिससे कि वो वापस पृथ्वी की तरफ आने लगा। हेनरी और बाकी वैज्ञानिक तो ये देखकर एकदम चौंक जाते हैं कि आखिर पॉल ऐसा क्यों कर रहा है। थोड़े समय के अंदर टर्बुलेंस क्रिएट होने के कारण वो रॉकेट पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गया। इस धमाके के अंदर ऑब्वियसली पॉल की भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन पॉल ने किसी भी हालत में उस रेड प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं की। एल्मा भी ये सीन देखकर बहुत ही ज्यादा हताश हो गई थी कि उसका पॉल मारा गया, पर अगले मोमेंट में ये एक मिरेकल जैसा लग रहा था। वो रेड प्लैनेट जो लगातार पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा होता है वो तो वापस अंतरिक्ष के अंदर जाने लगा, यानी कि रेड प्लैनेट अब पृथ्वी से टकरा नहीं रहा होता। और इन सारी चीजों से ये बातें तो कंफर्म हो गई कि रेड प्लैनेट के अंदर सच में सोचने की क्षमता है। उसे जैसे ही पता चला कि पॉल उसे नुकसान नहीं पहुंचाने आया है और उसने खुद की कुर्बानी दे दी, इसीलिए रेड प्लैनेट पृथ्वी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाता और वापस अपनी जगह पर चला जाता है। एल्मा के पास जो किताब मौजूद थी उसमें ये सारे इंसिडेंट के चित्र बनाए गए होते हैं। यानी बात सिंपल होती है कि पॉल ने तो अपने बचपन में ही ये सारे विजन्स देख लिए थे जो पूरी तरीके से करेक्ट होते हैं और अब जाकर पृथ्वी पर रहने वाले सारे इंसानी जगत के लोग चैन की सांस लेते हैं और ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई थी पॉल के बलिदान की वजह से। अंत में एल्मा उसी डेजर्टेड एरिया में मौजूद थी और वो पॉल की उसी बुक को देख रही होती है। उस बुक के एंडिंग पेज पर पॉल ने एक लड़की को बनाया था जो बारिश में भीग रही होती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एल्मा ही थी। अगले ही मोमेंट में वहाँ सच में बारिश होने लगी जो इतने सालों से नहीं हुई थी और इसी तरीके से हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।